हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल साहू और आप देख रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान के आपातकालीन प्रावधान को जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान में कौन कौन से आपातकालीन प्रावधानों के लिए कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि संविधान का भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। देखिए, मुख्य रूप से संविधान में तीन प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं, मतलब तीन अनुच्छेद हैं जिनमें तीन प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं। ठीक है, पहला तो आप जानते होंगे 352 में दिया गया राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में जो वित्तीय आपातकाल है उसकी व्यवस्था की गई है। फिर जो आपातकाल में केंद्र जो है हमारा सर्वशक्तिमान हो जाता है, ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना ही नहीं जाता और ऐसा वास्तविकता भी है कि राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। मतलब राज्य सरकार अब उसमें शासन नहीं कर सकती, राज्य में वह केंद्र के अनुसार चलेगी, केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है। अब यहाँ पे मैं सरल शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो संघीय ढांचा है बिना कोई संशोधन किए एकात्मक में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत संघीय ढांचा वाला एक राज्य होगा, लेकिन जब आपातकाल लगाया जाता है तो ये संघीय ढांचा जो है बिना किसी परिवर्तन के, मतलब संविधान में बिना कोई परिवर्तन किए गया किए बिना एकात्मक में परिवर्तन हो जाता है। और यह जो व्यवस्था है भारत को, भारतीय संविधान को अद्वितीय बनाती है। मतलब ऐसी कोई व्यवस्था किसी अन्य देश के संविधान में नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि संविधान में कौन कौन से आपातकाल का प्रावधान है। तो तीन प्रकार का है, पहला देख लेते हैं इसमें। तो युद्ध, बहा आक्रमण, सशस्त्र युद्धों के कारण आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। यह व्यवस्था अनुच्छेद 352 में की गई है और संविधान में इसके लिए जो शब्द उपयोग किया गया है वो है आपातकाल की घोषणा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल को संविधान में जो ऑफिशियल वर्ड है, जो ऑफिशियल वर्ड दर्ज है संविधान में हमारे, वो है आपातकाल की उद्घोषणा। याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। दूसरा प्रकार है जो आपातकाल का, वो है राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन, जिसे राज्य में लगाया जाता है। इसकी व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है? 356 में है। इसे दो अन्य नामों से जाना जाता है, कौन कौन से है? वो पहला है राज्य आपातकाल और दूसरा है संविधानिक आपातकाल। किंतु संविधान में इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया है। ठीक है, और तीसरा जो अंतिम है 360 में जिसकी व्यवस्था की गई है, ये आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल। तो भारत में वित्तीय स्थिति या साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। अब हम पहला जान लेते हैं जिसमें 352 में जिसकी व्यवस्था की गई है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें क्या क्या विशेष रूप से प्रावधान है वो देख लेते हैं। तो किस आधार पर लगाया जाता है ये जानना हमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो यदि भारत अधिवेश के किसी भाग में सुरक्षा को युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। यहाँ आपको एक शब्द पर ध्यान देना है, वो है सशस्त्र विद्रोह। इसमें आगे ट्विस्ट आने वाला है वो, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। दूसरी बात ये जान लेते हैं कि आपातकाल जब युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है तो इसे बाह आपातकाल कहा जाता है। और जब आंतरिक गड़बड़ी या विद्रोह, देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए विद्रोह लिखा हुआ है, तो विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है तो आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि कौन सा 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि जो राष्ट्रपति है वो भारत के किसी एक विशेष क्षेत्र में, ठीक है, विशेष क्षेत्र में विशेष भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। मान लीजिए कि जो हमारा उत्तर पूर्व है वहां ऐसी कोई स्थिति बन जाती है कि वहां पे हमें आपातकाल लगाना पड़ता है, तो पूरे भारत में ना लगाकर राष्ट्रपति चाहे तो केवल उत्तर पूर्व में जो 7 सिस्टर जिन्हें 7 बहनें बोला जाता है उन राज्यों में भी आपातकाल लगाया जा सकता है, एक राज्य में भी आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रपति। यह व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन रखी गई थी? 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। अब 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है तो आप इसको विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द जो था उसको अस्पष्टता के आधार पर हटा दिया गया और जोड़ा क्या गया, सशस्त्र विद्रोह। देखिए मैं बताता हूँ इसके पीछे स्टोरी क्या है। जो हमारा आखिरी आपातकाल था तो जो 1975 में था, ठीक है, उसमें जब आपातकाल लगाया गया था कांग्रेस सरकार ने तो ऐसा बोला जाता है कि आंतरिक गड़बड़ी ऐसी कोई बात नहीं थी, केवल राजनीतिक तौर पर विरोध के कारण
आपातकाल लगाया गया था और आंतरिक गड़बड़ी जैसी कोई चीज नहीं थी, तो इसे अस्पष्टता माना गया। अब जब 44 संविधान, जब ये जो सन चल रहा है 1978, इस टाइम आ चुकी थी जनता दल। तो जनता दल ये चाहती थी कि आगे ऐसी कोई दुर्घटना ना दोहराया जाए, तो इसलिए संविधान में संशोधन कर दिया गया। और अब जो सशस्त्र विद्रोह होगा, अगर मान लीजिए कभी सशस्त्र विद्रोह होता है तो ही आपातकाल लगाया जा सकता है, आंतरिक गड़बड़ी इसको हटा दिया गया। ठीक है, समझ गए होंगे आशा करता हूं मैं आप इस बात को। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या बात है। तो इस अधिनियम द्वारा यह भी प्रावधान किया गया था, किस अधिनियम द्वारा, 44 संविधान संशोधन। तो यह भी प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ना होगी, नहीं होगी, है ना, केवल मतलब सिफारिश के आधार पर होगी। ये यहाँ पे एक तो यहाँ पे लिखित सिफारिश के आधार पर होगी, मतलब पूरा मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को आवेदन देगा तो ही आपातकाल लगाया जाएगा। केवल केवल अगर प्रधानमंत्री लिख के दे दे कि भाई आपातकाल लगा दो, राष्ट्रपति से बोलता है, तो यह नहीं माना जाएगा। लेकिन जो 1975 का जो आपातकाल था वो इसी आधार पर, मतलब ऐसा माना जाता है कि केवल इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि आपातकाल लगाया जाए, मंत्रिमंडल से उनने चर्चा नहीं की गई थी इस विषय पर, तो उन्होंने आपातकाल लगा दिया। ठीक है, राष्ट्रपति ने, तो इस बात को पुनः ना दोहराया जाए, इसलिए पूरा मंत्रिमंडल की सिफारिश अब आवश्यकता हो गई है। ये भी 44 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गई था ये व्यवस्था। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट जो है उस पर उसकी भी लिंक दी गई है, तो आप उससे उस पर जाके आप डेली न्यूज़पेपर और जो भी आपको डाउनलोड करना है वहाँ पर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कोचिंग स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप देख लें। तो जो भी आपको क्वेश्चन है आप नीचे पूछ सकते हैं, मैं 24 घंटे के अंदर आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब जो नेक्स्ट बात है, इस अधिनियम के द्वारा यह भी प्रदान किया गया था कि आपातकाल में कुछ विशेष मामलों में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, 44 संविधान संशोधन द्वारा। अब दूसरी जो बात उठती है कि भाई संसदीय अनुमोदन तथा समय अवधि, तो क्या होगा आपातकाल की समय अवधि और संसदीय अनुमोदन कब तक चाहिए होगा। तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा संविधान में प्रावधान है कि आपातकाल की उद्घोषणा के एक माह के भीतर दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, प्रारंभ में यह 2 महीने थी, जिसे 44 संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। मतलब अगर आपातकाल लगता है तो 1 माह के अंदर उसे संसद का अनुमोदन होना चाहिए, मतलब संसद से आपातकाल पास हो जाना चाहिए। अगर आपातकाल की उद्घोषणा हो गई हो और लोकसभा उस टाइम विघटित हो तो क्या होगा, लोकसभा की जो पहली बैठक होगी उसके 30 दिनों के अंदर अनुमोदन हो जाना चाहिए, परंतु इस दौरान तक राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन हो चुका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात इसमें यह है कि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा। अगर एक बार दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा ने इसका अनुमोदन कर दिया हो तो जो आपातकाल है वो 6 माह तक बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसे हर एक बार मतलब हर 6 माह बढ़ाया, फिर समाप्त होने की अवधि आई, फिर एक बार संसद ने अनुमोदन कर दिया, फिर 6 माह बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कर करके अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब इसमें कोई टाइम लिमिट दी नहीं गई है कि भाई केवल 2 साल के लिए आपातकाल लगाया जा सकता है या 3 साल के लिए, मतलब ऐसे 6 माह कर करके आप अनंत काल तक के लिए आपातकाल लगा सकते हैं। और ये जो अवधि है संसदीय अनुमोदन का प्रावधान है, ये भी संविधान के 44 संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जो हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। ऐसी पहले ऐसी व्यवस्था थी कि एक बार संसद का अनुमोदन हो जाए तो इसके बाद आपातकाल मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार प्रभावी रहेगा, मतलब फिर आपातकाल के लिए संसद के पास जाने की जरूरत नहीं है, जब तक मंत्रिमंडल की इच्छा है, भाई 2 साल लगाना है 3 साल लगाना है तो तब तक लगा सकता है मंत्रिमंडल। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट यह है कि आपातकाल की उद्घोषणा तथा इसके जारी रहने के लिए प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, याद रखिएगा विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, ये बात भी इसमें कही गई थी। ठीक है, 44 संविधान संशोधन द्वारा विशेष बहुमत का प्रावधान भी, देखिए मैंने वही कहा भी, विशेष बहुमत का प्रावधान भी 44 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए आप जो ये जो 44 संविधान संशोधन है इसको आप बिल्कुल मतलब रट लीजिए, 44 संविधान संशोधन एक 42 संविधान संशोधन, क्योंकि इनमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे, इन दोनों के अंतर्गत जो अधिनियम थे ये दोनों, इनमें बहुत सारे हुए थे, तो और मेन थे, मतलब ऐसा नहीं कि छोटे मोटे कोई बदलाव हुए थे संविधान में, इन दोनों के तहत बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए थे, तो आप इन्हें रट ही लीजिएगा क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है और घुमा फिरा के पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो 2 एमसीक्यू आपको, एमसीक्यू कह रहा हूँ सॉरी, अधिनियम आपको अच्छे से याद करना है। आगे चलते हैं,
उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगी, तो मतलब जो आपातकाल है उसकी उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगी, ये एक देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय आपातकाल की उद्घोषणा दूसरी उद्घोषणा के द्वारा समाप्त की जा सकती है, ऐसी उद्घोषणा को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर लोकसभा आपातकाल के जारी रहने के अनुमोदन के प्रस्ताव को निरस्त कर दे, मतलब हमने अभी देखा था कि एक माह के अंदर दोनों सदनों से वो पास होना चाहिए जो अनुमोदन है, अगर लोकसभा इसको निरस्त कर दे तो राष्ट्रपति आपातकाल समाप्त कर देगा। यह प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इससे पहले राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा को समाप्त अपने विवेक के अनुसार कर सकते थे, इसमें लोकसभा का कोई योगदान नहीं था। देखिए ऐसा बोला जाता है और वास्तविकता भी यही है कि यहाँ पे देखिए ये लिखा है कि राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार, तो यहाँ राष्ट्रपति का विवेक नहीं चलता है, यहाँ पे जो केंद्र सरकार होती है वो कहती है राष्ट्रपति से, वो कहती है कि भाई आपातकाल लगा दो आपातकाल हटा दो। तो जो राष्ट्रपति है वो केवल नाम मात्र की कार्यपालिका है, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका है वो हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। ये बात तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। 44वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रदान किया गया है कि लोकसभा का 1/10 सदस्य स्पीकर को लिखित रूप से नोटिस दें तो 14 दिन के अंदर उद्घोषणा के जारी रखने के लिए प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन की एक विशेष बैठक पर विचार विमर्श के लिए उद्देश्य के लिए बुलाया जा सकता है। मैं सरल शब्दों में आपको समझा देता हूँ। 44वां संविधान संशोधन ये कहता है कि भाई 1/10 सदस्य, मतलब जो हमारे लोकसभा का पूरा जो स्ट्रेंथ है, मतलब जितनी भी सदस्य हैं उसके 1/10 सदस्य अगर लिखित रूप में स्पीकर को ये बात कह दें कि हमें जो उद्घोषणा है आपातकाल की उद्घोषणा है इसको समाप्त करना है, तो इसके लिए विशेष बैठक बुला ली जाएगी, यही बात की गई है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव जो है उद्घोषणा को जारी रखने के अनुमोदन के प्रस्ताव से दो प्रकार से भिन्न है। पहला प्रकार क्या है कि पहला जो केवल लोकसभा से ही पारित होना अनिवार्य है, जबकि दूसरा संसद के दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। मतलब अगर आपको आपातकाल जारी रखना है तो दोनों सदनों से पारित करवाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको उसको कम करना है, मतलब आपको उसको निरस्त कर देना है, तो केवल एक सदन मतलब लोकसभा से उसको पारित करवाना पड़ेगा। दूसरा जो अंतर है, केवल जो दूसरा अंतर है वो है कि साधारण बहुमत से अस्वीकार किया जाएगा, मतलब जो पहला वाला है उसको साधारण बहुमत से अस्वीकार किया जाएगा, जबकि जो दूसरा है वो उसे विशेष बहुमत, मतलब अगर आपको आपातकाल की उद्घोषणा को जारी रखना है तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों अब इसका जो दूसरा पार्ट होने वाला है, मतलब हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे क्योंकि अब ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो दूसरे पार्ट में हम देखने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या पड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को, यहाँ पे आपको अभी साइड में एक पॉपअप विंडो दिख जाएगी वीडियो के लिए, तो उस पर क्लिक करके आप वीडियो पर पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या प्रभाव पड़ते हैं, किन राज्य पे पड़ेंगे। ठीक है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर पड़ेगा और मौलिक अधिकार पर पड़ेगा। तो ये जो आपको साइड में ये जो वीडियो दिख रही है इस पे आप क्लिक करके दूसरी वीडियो पे पहुंच सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपको लोगो दिख रहा है डीएल का। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।